फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स किचन। आज मैं आपके साथ में चने की दाल की बड़ी बनाने वाली हूँ, जो कि यहाँ मुंबई में तो बहुत ही फेमस है। हर स्टॉल पे, हर स्ट्रीट फूड में ये इंक्लूड होता है। ये देखिए, इसके लिए मैंने, चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। ये मैंने मिक्सर ग्राइंडर लिए ले लिया है और अब मैं इसमें ये चने की दाल और ये दो तीन हरी मिर्चें, आप जितनी तीखी खा सकते हैं उस तरह से ले करके पीस लीजिए। मैं इसको पीस करके आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने दाल अच्छे से पीस ली है और अब मैं इसको खाली कर लूँगी एक बाउल में। ये देखिए, मैंने दाल अच्छे से पीस करके बाउल में खाली कर ली है और अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। टेस्ट के ही हिसाब से आपको डालना है। अच्छे से नमक डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ज़्यादा हो जाएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। और अब मैं ये इसमें से, देखिए, दो पिंच हल्दी ले रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और खाने में टेस्ट भी अच्छा दिखता है और बहुत ही कलरफुल दिखती है। और मैं दो पिंच इसमें हींग डालूँगी, वो तो ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए, डाइजेस्टिव। और मैं अब इसमें देखिए हाफ चम्मच ये ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए, मैं इसमें एक पिंच ही सोडा ले रही हूँ। ये मीठा सोडा या बेकिंग सोडा नहीं है, ये मीठा सोडा है और आपको ये इसमें ऐड कर लेना है। इससे बड़ी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है और हमें खाने में भी अच्छे लगती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो जाते हैं। इससे वड़ी, जो वड़े बनाएंगे हम, वो बहुत ही कड़क हो जाते हैं। मोस्टली सभी कड़क ही होते हैं, लेकिन हम बनाएंगे जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होंगे। तो इस तरह से आप ये सारे मसाले इंग्रेडिएंट्स डाल करके ऐड कर लीजिएगा। और अब हम इसको फ्राई करने के प्रोसेस पे चलेंगे। हम इनकी इस तरह से छोटी छोटी वड़ियाँ बना लेंगे हाथ से ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए, इस तरह से मैं बना लेती हूँ, आपको इसी तरह से बनाते हुए ये फ्राई कर लेनी है। तो चलिए मैं फ्राई करके आपको बता देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली है और अब हम इसमें ये दाल बड़ी हाथ से फटाफट बना करके इस तरह से ऐड कर देंगे। इस तरह से बनाएंगे तो लुक भी अच्छा आता है और अच्छे से पक भी जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको पकने में, इसलिए मैं इस तरह से टिक्कियाँ बना कर के ही सेकती हूँ। और मुंबई में तो ये बहुत ही फेमस है, आप कहीं भी खाएंगे ये आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। इसे अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई करना है हमें। चलिए दोनों तरफ से इनको अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें गोल्डन ब्राउन दोनों तरफ से करके सेक लेना है। ज़्यादा सेकेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दाल है तो अच्छे से पक जाती है। इस तरह से गोल्डन होने तक हमें दोनों तरफ से पका लेना है। इसी तरह मैं बाकी सब भी फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, मैंने सारी फ्राई कर ली है बड़ी और मैंने कुछ छोटे कुछ बड़े शेप में बनाई हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी है, तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, अब मैं इसके साथ ये ग्रीन मिर्ची फ्राई की हुई बना रही हूँ। वो मैंने तेल गरम है, उसी में मैं, देखिए, इस तरह से इसको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है। और इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है ये मिर्ची। ये देखिए, इस तरह से आपको फ्राई कर लेना है, जिससे ये फटेगी भी नहीं, नहीं तो मिर्ची फटने का डर लगता है। आप तीखा अच्छा पसंद करते हैं तो आप, ये मिर्ची आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। ये देखिए, मिर्ची को मैंने कितने अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा ही नमक ऐड कर रही हूँ, जिससे मिर्ची का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से मैंने, देखिए, नमक भी कोट हो गया है। चलिए, ये देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छी दाल बड़े बनके
रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी हैं। ये देखिए कितने अच्छे से इन पे आवाज़ आ रही है ना, कैसे लगे आपको? तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।